दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत प्लान के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मॉडल बहुत ही फिर पोर्च के साथ डिज़ाइन किया है। 26x40 में मैंने ये मॉडल क्रिएट किया है। 26x40 फिट में ये पूरा मॉडल क्रिएट है। और यहाँ पर अगर हम पोर्च की बात करें तो वो आपको बेस्ट मिलता है। अगर रेलिंग की बात करें, फ्रंट एलिवेशन की बात करें, तो वो भी आपको एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और ये मैंने वाइट कलर का ही रखा है। इसके बाद आप कोई भी इसमें टेक्सचर या पेंट अपना आप लगवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो प्लान है, फ्रंट एलिवेशन की बात करें जो 26 फिट का है, और ओवरऑल जो इसकी लेंथ है वो 40 फिट है। तो 26x40 फिट में ये प्लान है, जिसमें पोर्च डिज़ाइन और फ्रंट का एलिवेशन वगैरह सारा शामिल है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। तो आज का प्लान दोस्तों आप देख रहे हैं, इसे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, इससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। प्रॉपर तरीके से इसका रेलिंग है, जो आपका ग्रिल मैंने इस्तेमाल किया है, रेलिंग इस्तेमाल किया है, विंडो का डिज़ाइन है वगैरह। तो यही पूरा मॉडल है। फ्रंट से आपका रोड है, इसके बाद स्टेयर्स है जिसके माध्यम से आप ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो पिलर मिलते हैं, जिसमें आपका बीम का डिज़ाइन दिया है जो कि वी से राउंड शेप का है। और इसके बाद आपका एक बड़ा सा पोर्च मिलता है जो कि लगभग 12x12 फिट का है। अब आपको फ्रंट डोर मिलता है, ये सामने देख रहे हैं कि फ्रंट का डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। और दोनों साइड आपको विंडो का डिज़ाइन मिलता है जो कि वी शेप में डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे आप डोर से अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक लिविंग हॉल मिल जाता है। इसी लिविंग हॉल से मैंने स्टेयर्स दी है, इससे आप ऊपर चढ़कर जाएंगे। और सबसे पीछे की बात करें तो दो बेडरूम आपको देखने को मिल जाते हैं। और इन दोनों बेडरूम में जो 26 फिट ओवरऑल इसका लेंथ था, उसी को डिवाइड कर दिया, तो 13x13 के अप्रॉक्स दोनों बेडरूम हैं। और इसके बाद ये आपका किचन एरिया है और ये आपका लेटरन बाथ है ओवरऑल। तो एक बड़ा सा किचन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, और ये लेट एंड बाथ। और मात्र मैंने दो बेडरूम ही क्रिएट की है, और ये एक लिविंग एरिया बड़ा सा है, और साथ साथ स्टेयर से आपको ऊपर ले जाता है। पोर्च की बात करें तो ये आपको पोर्च देखने को मिलता है, ये पूरा एरिया 12x12 में पूरा डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो यही पूरा मॉडल जो था ग्राउंड फ्लोर का, इसे मैं और जूम करके दिखाता हूँ, उससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू का प्रॉपर तरीके से आइडिया लग जाए, और जब भी आप इसे बनवाएँ तो प्रॉपर तरीके से बनवा सकें। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट आप पता कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, स्मॉल हाउस प्लान नाम से। आप उसे डाउनलोड करें और वहाँ पर कॉस्ट मटेरियल सारा आपका कैलकुलेट करके बता देगा इसमें कितना लगने वाला है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पर चारों तरफ 3.5 फिट का अप्रॉक्स में बाउंड्री। फ्रंट में ग्रिल, जो ग्रिल बनाई है, रेलिंग बनाई है, उसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मैंने किया है। सबसे पहले ईंटों का कॉम्बिनेशन है जो कि आपका एल शेप में है, इसके बाद आपका विंडो का इसमें कॉम्बिनेशन है, और बीच में ये रेलिंग जो कि स्टील का आप येलो और वाइट कलर का देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल 26x40 का हाउस प्लान था जो आपने देखा। मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। और कोई भी अगर डाउट है, अगर आप किसी भी प्रकार का पेड सर्विस लेना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वो हमारी पेड सर्विस, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।